धन गुरु नानक जाग रे मन जागन हारे बिन हर अवर न आवस कामा झूठा मोह मिथ्या पासा रे। जाग रे मन जागन हारे, यहाँ पर तन के नहीं मन के जागने की बात की गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन का जागना किसे कहते हैं? मन का जागना होता क्या है और जिसका मन जाग जाए उसकी अवस्था क्या होती है? राजा जनक एक दिन जब अपने दरबार में बैठा तो सारे विद्वानों को इकट्ठा किया, अपने राज्य के सारे बड़े से बड़े विद्वान उसने इकट्ठे किए और एक सवाल किया। सवाल क्या? ये सच है या वो सच है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजे जनक ने राज्य के सारे विद्वानों से सवाल किया, ये सच है या वो सच है? सब विद्वानों ने अपने अपने ढंग से जवाब दिए पर राजा जनक की संतुष्टि नहीं हुई। ये सवाल उसे खाए जा रहा है। जैसे भूखा आदमी बिना भोजन के तृप्त नहीं होता, अगर मन में कोई शंका उत्पन्न हो जाए जब तक हल नहीं हो जाता मन तृप्त नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब रात को नींद भी नहीं आती राजा जनक को। सवाल उसे खाए जा रहा है, ये सच या वो सच? सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि इसका जो जवाब देगा मैं उसे गुरु धारण कर लूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उस वक्त अष्टावक्र ऋषि अष्टावक्र राजा जनक के दरबार में पहुंचे। वो एक कदम रखते थे तो शरीर में 8 बल पड़ते थे, इस प्रकार का शरीर था उनका। एक कदम चलते थे शरीर में 8 बल पड़ते थे, टेढ़ा मेढ़ा शरीर अष्टावक्र। जब दरबार में पहुंचे उनकी चाल देखकर सारे दरबारी विद्वान हंसने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अष्टावक्र शांत रहा, गंभीर। राजा जनक ने देखा कि ये ऋषि सबके हंसने पर बेहबल नहीं हुआ, इसने क्रोध नहीं किया, शांत है, गंभीर है, जरूर ये कोई कमाई वाला महापुरुष है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अष्टावक्र ने कहा, मुझे तेरे सवाल का जवाब भी पता है, तेरा सवाल भी पता है, पर एक बार फिर से सवाल पूछ, पर पहले इन मांस के व्यापारियों को यहाँ से निकाल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा जनक कहने लगा, ये विद्वान है मांस के व्यापारी नहीं। राजा जनक कहने लगा, ये मांस के व्यापारी ही हैं जो केवल शरीर देखकर मेरा हंस रहे हैं, मेरी आत्मा नहीं देखी उन्होंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब राजा जनक ने सब विद्वानों को बाहर निकाल दिया। अब अष्टावक्र ने कहा, अपना सवाल पूछ। राजा जनक पूछता है, ये सच कि वो सच? अष्टावक्र ने जवाब दिया, वो भी झूठ ये भी झूठ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा जनक उठा, उसने अष्टावक्र के चरणों पर अपना सर रख दिया, कहने लगा, आप मेरे गुरु। अब सब विद्वानों को अंदर बताया और जवाब बताया अष्टावक्र ऋषि का कि ये भी झूठ और वो भी झूठ। तो विद्वानों ने कहा, हमें अभी तक समझ में नहीं आई सवाल क्या था और जवाब क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विद्वानों ने कहा, राजा हमें सवाल भी समझ में नहीं आया, जवाब भी नहीं, कृपया खोल कर समझाइए। तो राजा जनक ने कहा, मैंने रात को स्वप्न देखा था, स्वप्न में मैंने देखा कि मैं शिकार खेलने गया हूँ बाहर,
एक पेड़ के नीचे खड़ा हूं, एक कुत्ते ने आकर मुझे काट लिया। अब मैंने ध्यान दिया तो वो पागल कुत्ता था, हल्काया हुआ। मैं घबरा गया कि इसका जहर अगर शरीर में चढ़ गया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं उस गांव में भागा, पास के गांव में। मेरे साथ सैनिक नहीं थे, मैं अकेला था। वैद्य के पास गया, वैद्य से कहा मैं राजा हूँ, मेरा इलाज कर। वैद्य मानने को तैयार ही नहीं कि मैं राजा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरना। जंगल में भटका हुआ था, मेरे वस्त्र भी मैले थे, वो मानने को तैयार ही नहीं हुआ कि मैं राजा हूँ। कहने लगा दो पैसे दोगे तो मैं तुम्हारा इलाज करूँगा। राजा जनक बता रहे स्वप्न की बात कि मैं घर घर भटका, दरवाजा खटखटाया कि दो पैसे कोई दे दे, पर किसी ने दो पैसे नहीं दिए। सपने में मैं भिखारी बन गया। आखिर में एक औरत ने तरस करके मुझे दो पैसे दिए कि किस बात का राजा तू, तू तो भिखारी है। वो दो पैसे लेकर, जैसे ही उस औरत ने मुझे दो पैसे पकड़ाए, मेरी आंख खुल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तब मैं सोच में पड़ गया कि वो स्वप्न सच है कि ये जो मैं इस वक्त राजा हूँ ये सच है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अष्टावक्र ने जवाब क्या दिया कि वो स्वप्न भी झूठ और ये जिंदगी जो तू जी रहा है ये भी झूठ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात ने बड़ी गहराई है साथ संगत जी। स्वप्न कैसे झूठ? महापुरुष ये कथा सुनाकर समझाया करते थे कि स्वप्न कैसे झूठ, स्वप्न को स्वप्न समझना ये झूठ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्वप्न में जो कुछ देखा, जब तक देखा तब तक तो वो सच ही था ना। अगर सपने में वो भिखारी बन गया तो जब तक आंख नहीं खुली तब तक तो वो भिखारी ही था। इसलिए सपना झूठ नहीं, सपने को सपना समझने वाला झूठ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये जो जीवन हम जी रहे हैं ये भी एक सपना ही है। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन, जब इंसान की मौत होती है तो जब आत्मा शरीर से अलग होती है तो जिस प्रकार हम उन सपने में से, नींद में से जागते हैं तो कैसे हैरान होते हैं कि ये तो सपना था, कोई भयानक सपना देख रहे हो, मन डरा हुआ हो, जब आंख खुल जाती है तो हैरान होते हैं ये तो मैं सपना देख रहा था। कहते इसी प्रकार जब आत्मा शरीर से अलग होती है तो ये देखता है कि ये मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, बीवी, ये सब सपना ही था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सच्चाई है। इस वक्त हमें सब सच्चाई नजर आ रही है पर मरते ही हमें ये सब स्वप्न लगने लगता है, इसलिए ये भी झूठ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजे जनक की नींद खोली किसने? अष्टावक्र ने। हमारी नींद खोलेगी ये गुरबाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए शब्द है जाग रे मन जाग न हारे, बिन हर अवर न आवस कामा, झूठा मोह मिथ्या पासारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा जनक के गुरु अष्टावक्र, हमारे गुरु बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरु बाणी कहे सेवक जन माने, पर तख गुरु निस्तार। राजे जनक को जगाया अष्टावक्र ने, हमें जगाएगी ये बाणी, जगा रही है कि जाग लियो मना, जाग लियो जाग, कहां गाफिल सोया तू, कहां सो रहा है जाग, जाग रे मन जागन हारे, बिन हर अवर ना आवस कामा। ये जो तू सत्संग की घड़ियां बिता रहा है, सिमरन कर रहा है, नाम जप रहा है, पाठों में हाजिरा भर रहे, ये घड़ियां ही तेरे काम आएंगी, बिन हर अवर ना आवस कामा, झूठा मोह। इस जो माया के चक्कर में पड़ा है, अपने घर परिवार के चक्कर में पड़ा है, ये झूठ है। मिथ्या पास हारे, इस बात का मतलब ये मत ले लेना कि इसको छोड़ देना है। दास बार बार बेनती करता है, ये गुरु नानक के घर का रास्ता ही नहीं है। बस मन में एक विचार हो, जिसका मन जाग जाता है ना, उसके मन में एक विचार हमेशा रहता है। वो अपने बीवी बच्चों के बीच में रहकर भी
मंद मंद मुस्कुराता रहता है, जानता है सब झूठ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फर्ज निभाने हैं जिसका मन जाग जाए, एक तरफ सत्संग हो रहा हो, एक तरफ दुकान पर ग्राहक की भीड़ लगी हो, वो भीड़ को छोड़ के सत्संग में आ जाएगा जिसका मन जाग जाए, क्योंकि उसे ये बात समझ में आ चुकी है सपना है। जिसे ये बात समझ में आ गई कि हम सपने में जी रहे हैं और जो हमारे साथ जाना है वो सिर्फ नाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गुरबाणी बार बार चोट करके हमें शब्द में समझा रही है, बार बार हर पंक्ति में।